वर्ल्ड कप में पहला बड़ा अपसेट, दफाई चैंपियन इंग्लैंड को अफगानिस्तान के हाथों 69 रन से शिकस्त। इंग्लिश बैटिंग लाइन रेट की दीवार साबित हुई, 285 रन के ताकुब में पूरी इंग्लिश टीम 215 रन पर आउट। हैरी ब्रुक ने इंग्लैंड की जानब से सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। जॉनी बेयरस्टो 2, डेविड मिलान 32, जो रूट 11 रन बनाकर आउट। मुजीबुर रहमान और राशिद खान की टीम थे। मोहम्मद नबी ने 2 विकेट्स ली। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट्स पर 284 रन बनाए। रहमान अल्लाह गरबाज 80 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, जहां हम खड़े होंगे वही पाकिस्तान होगा। एम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची और औरंगी टाउन में जलसे से खिताब। कहा, कराची की दुरुस्त आबादी नहीं गिनी गई। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने रिश्वत देकर 18वीं तरमीम मंजूर करवाई। 18वीं तरमीम के बाद विफाक मुल्क चलाने के काबिल नहीं। विफाक के पास पैसे नहीं। सिंध के पैसों से दुबई लंदन में जायदाद बनाई गई। मौजूदा निजाम से मुल्क मजीद आगे नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी ने कराची तबाह कर दिया। 15 साल तक सिंध लूटा। फारूक सरकार ने कहा, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे। अभी ट्रेलर है, जल्द बड़ा एहतजाज और धरना देंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने कहा कि इसराइल आलमी क़वानीन और इंसानी हमदर्दी का एहतराम करे। गजा और दीगर इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी रोकी जाएँ। बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। गजा का फौजी मुहासरा ख़त्म किया जाए ताकि लोगों तक इमदाद पहुँचाई जा सके। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें तेज़ करने पर जोर दिया।